हमें लगा पवन बहुत बेकार लड़का होगा, लेकिन जब देखा सारे एविडेंस देख के आ रहे हैं, ठीक है माना कि वो लड़का से गलती हुई जीवन में, माना, तो क्या पत्नी का यही काम है कि उसको नंगा करके उजागर कर दो? अब कर ही दोगी, अब दो वीडियो और रख के ब्लैकमेल कर रही है कि वीडियो वायरल कर देंगे, अब कर ही दोगी तो क्या होगा, तुम्हारा चरित्र भी लोग जान जाएगा कि वीडियो वीडियो खेल के ब्लैकमेलिंग कर। अगर जान गए कि तुम्हारे पति में कोई बुराई है भी तो उसे उजागर करने की क्या जरूरत है यार, तुम्हारे घर का चीज है तुम संभालो ना, काहे के लिए रायता फैला रहे हो। तो ये सब चीजें हैं, बस एक अच्छी कोशिश थी हमारी, लेकिन उस कोशिश में ज्योति ने हमारा साथ नहीं दिया, इस बात का हमें दुख होगा। एक लड़की को अगर घर बसाना रहता है ना तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता, हम तो पूरा का पूरा बांस और फट्ठा बन के गए थे वहां, तो भी वो पकड़ के वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो अब क्या करें हम बताइए, अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट समझेगा। बिल्कुल मैम, लेकिन देशवा न्यूज का जैसे कि कहा जा रहा था कि देशवा न्यूज जो साथ में आपने नाम एक रखा जो मैम का, वो देशवा न्यूज शायद चलाती है, उनके साथ जाने की जब बात कह रही थी वो, तो कहीं ना कहीं उनको अपने लाइफ के बारे में सोच करके इनको ले जाने की क्या जरूरत थी, पवन सिंह से तो ऐसी कोई अनसिक्योरिटी उनको। ये तो ज्योति जी न जाने भैया मेरे, हमको क्या पता क्यों ले जाने की। पवन जी को तो वहाँ टीआरपी थोड़ी खाना, घर का मुद्दा था, चार दीवारी में अंदर बैठ के बात खत्म हो जाती, तो अब इसलिए थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने पवन जी ने उस पर भी सहमति जता दी, बोली जितना लेवे के आवे कहे लेके आवा, बोल बुला लीजिए सबको बुला लीजिए, अब इससे ज्यादा क्या कोऑपरेट करते हो बताओ। बिल्कुल, तो क्या लगता है मैम इस मामले में जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, क्या लगता है ये आगे पूरा दर्शक जो है या फिर? तो भगवान ही मालिक है इस रिश्ते का जी, एक भगवान के तौर पे बन के हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमें एक अलग मतलब भगवान ने शक्ति दी है कि बहुत अच्छे दोनों के दिन वो चार बात बोलती, ये चार बात बोलते और वहीं पे हम नट पकड़ के कस देते दोनों को, लेकिन अभी बैठने के लिए आई ही नहीं लड़की, तो मैं क्या ही तमाम जी मैम बिल्कुल, तमाम दर्शक जो थे चाहे जितने भी उनको चाहने वाले लोग थे, 2024 में कुछ नया खबर सोचने की सब लोग की उम्मीद थी कि 2024 में पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। हर बात अभी तक सिर्फ ज्योति की बात जान रही थी, अक्षरा की बात जान रही थी, अब तो मैंने पवन की भी जान ली, तो अब कहाँ जाएंगी बताइए ना, खुद ये लोग अपना सब चीज भदभिटाती हैं, खुद ही करती हैं और खुद रायतू ही फैलाती हैं खुद ही। क्या ही कहा जाता सकता है इस मामले में जो है, कोर्ट में तो है ही चल ही रहा है, यहाँ पे जो है हमारे आरा में ही हमें मौजूद भी है, आरा के हम रहने वाले हैं, खास करके यहाँ सुदामा सिंह जो है उनसे भी हमारी बात होती है, ज्योति सिंह के वकील जो है यहाँ पे उनसे भी बात होती है, तमाम लोगों का मैंने इंटरव्यू भी चलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब बीना मानवी जब इस मामले में आई है तो कहीं ना कहीं जो एकजुट कराने का काम करेंगी, लेकिन यहाँ पे भी जाने के बाद जो है मामला विफल नजर आ रहा है ना, विफल नजर आ रहा है ज्योति के कारण, अदरवाइज मामला बहुत सफल, आइदर दोनों मिल जाते हैं या प्रेम पूर्वक अलग हो जाते हैं। अब बताइए ज्योति जी कोर्ट से लड़ने जा रही हैं, आप बताइए जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख 10 साल 20 चली कि 20 साल चली, ना उसका जीवन सफल होगा ना इसका जीवन सफल होगा। हम तो ज्योति का भला ही करने गए थे कि अगर प्रेम से रहे तो ठीक, नहीं देता करके जब से भाई अलग भी हो जाओ, लेकिन दोनों में कोई पे भी वो नहीं है, घमंड किस बात का, घमंड इस लड़की को है, क्या सपने देख रही है, कौन इसको सिखा रहा है, की बुद्धि जा रही है, भगवान ही मालिक है उसका, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैम, यहाँ पे जो पैसे की बात कही जा रही थी पवन सिंह के तरफ से या फिर इधर से भी कि 10 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, कहीं ना कहीं मामला पैसे के लिए तो नहीं फंसा हुआ ये? देखिए मामला पैसे के लिए फंसा हुआ है, तो 3 करोड़ एक फ्लैट की बात थी, तो वो 3 करोड़ तक बात आ भी गई, तो अब एक बात बोलिए कि 3 करोड़ एक फ्लैट, 3 करोड़ एक फ्लैट माने क्या, सोना का रोटी खाना है, खाओगे आटे ही का रोटी ना जी? बिल्कुल, अगर 3 करोड़ रुपया हम रख भी देते हैं अकाउंट में तो भी हमें लगभग 60,000 एक फ्लैट और 60,000 रुपया महीना कम होता है क्या जी? बिल्कुल नहीं, बैठे बैठे इन लोग करना है, मतलब बाकी लड़कियों के लिए कह रहे हैं जो आया इनको दो, अपना मेरे को लग रहा है वो व्यक्ति अपने आप को तपा के इतना मेहनत करके पैसे कमाता है, लुटेरी हसीना लोग आती है सब लूट के भाग जाती है, गजब जीवन है, उसकी भी गलती है,
पवन की गलती नहीं है यहाँ पे जी। बिल्कुल मैं ये भी सुनना चाहता था, क्योंकि इस इंटरव्यू को चलाने के बाद बीना मैम के ऊपर भी होता है कि बीना जी जो है हमेशा से पवन सिंह का बुराई की है। पवन भैया हम लुटेरी हसीना नजर आ रहे हैं क्या कि पवन को लूट के आ जाएंगे? हम बहन है उसकी, बहन बन के गए थे वहाँ पे, हसीना बन के पूरी की पूरी गलती है कि विश्वास करना हर लड़कियों पे अगर उन्होंने अब भी नहीं छोड़ा तो फिर क्या गारंटी है कि आने वाले कोई लड़की इनको फिर लूट के ना भागे। तो ये सब है, देखिए गलती दोनों तरफ से बराबर है। हर आदमी इनके पास स्वार्थ से जुड़ा, कोई अपना करियर बनाने के लिए जुड़ा तो कोई अपना निजी स्वार्थ ढालने के लिए जुड़ा। और ये चूंकि एक दुखी आत्मा, मर्द को भाई सुकून तो चाहिए जीवन में, तो अब लड़कियां जब खुद उपलब्ध है तो कौन मर्द चलेगा ये बता, लेकिन उसी में फंसते चले गए। होता ना कोई गाना है ना, हर दर्द को सीने से लगाता चला गया, वही वाला क्या पता नहीं वो। देखिए पवन दिल के बुरे इंसान नहीं नजर आए हमें, वो निभाने वाला व्यक्ति है, जिसके साथ रहा उसको निभाया, चाहे वो कोई भी हो। और वो सारी लोग मेरी वॉइस को सुन रही होंगी, ज्योति भी जब उनके जीवन में आई, आज वो इतनी ज्ञानी बन रही थी, तो शादी के पहले क्या उनका ज्ञान घास चढ़ने चला गया था? उनको नहीं पता था वो किससे शादी कर रही है, ये उनको बिल्कुल 5 करोड़ 6 करोड़ कर रही है, माने ब्याह की है वो बस इसी के लिए। जाओ मौका मिला तो घर बसाने पहुंची नहीं वहां पे, शक्ति तो अच्छे से कौन को ऐसे बांध, अरे औरत में तो वो शक्ति है किसी भी बांध के रख सकती है। मैं खुद का टैलेंट नहीं था पर संभालने का दूसरे पे आरोप लगा रहे हो यार, मतलब एक तरफा सुने तो हमें लगा पवन बहुत बेकार लड़का होगा, लेकिन जब देखा सारे एविडेंस देख के आ रहे हैं, ठीक है माना कि वो लड़का से गलती हुई जीवन में, माना तो क्या पत्नी का यही काम है कि उसको नंगा करके उजागर कर दो? अब कर ही दोगी, अब दो वीडियो और रख के ब्लैकमेल कर रही है कि वीडियो वायरल कर देंगे, अब कर ही दोगी तो क्या होगा, तुम्हारा चरित्र भी लोग जान जाएगा कि वीडियो खेल के ब्लैकमेलिंग करती है। पवन को क्यों तकलीफ होती है कि भाई कितना भी है तो वो उसकी बीवी है, और एक पावर स्टार की बीवी इस तरह से करेगी तो कहीं ना कहीं उसको भी तो तकलीफ होती होगी ना। जब उनको मौका मिला अपने कमरे में बैठने का, तुम बैठी नहीं, सीधे बोलती कि नहीं दीदी और रुक जाइए हमारे, या बोलती दीदी प्लीज एक मौका दीजिए हमको के साथ और बैठते हैं, फिर अभी भी बोल दे अकेले तैयार है किसी के साथ। यहाँ पे ज्योति सिंह आने के लिए तैयारी नहीं हुई कि हम पवन सिंह के सामने बैठ के बातें कर ले, वो सीधे बोल दिए कि दीदी आप मैं दिखा चुका हूँ कि मैं आपके और चलिए आप एक गार्जियन स्वरूपी हमें लगती हैं, आप लोग उस तरह की महिला हमें दिखती हैं, तो मैंने ये परमिशन दिया कि आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल को आप सारा यूट्यूबर लेके कहिए कि हम बैठम था ये ला हम बन लाती। तो बात तो सही है, घर का मैटर घर में समझ, बिल्कुल बिल्कुल चार दीवारी के भीतर होना चाहिए और बढ़िया से होना चाहिए। आप गई थी अभी भी मौका है जो बिल्कुल, अब बीना मैम जब वहाँ पहुंची तो हम लोग को भी था कि चलिए इस बार जो है 2024 में कुछ हम लोग को भी नया सुनने के मिलेगा। ज्योति ने कोऑपरेट नहीं ना किया बाबू, हम तो करवा ही दिए थे। और पवन जैसे व्यक्ति को जब वो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया, तो ये ज्योति को काहे का एड दिखाना था, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान कोर्ट में मामला, इस मामले को फिर से कोर्ट के भरोसे छोड़ा जाए क्या मैम?